रेवाड़ी की गांव श्योराज माजरा में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की एक छात्रा द्वारा 12 दिन पूर्व स्कूल में ही फंदा लगाकर खुदकुशी किए जाने का मामला अब काफी तूल पकड़ने लगा है। आज गांव की छात्राओं तथा ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया तथा पुलिस व स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जो बातें बता रहे हैं उनको सभी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और जिनके खिलाफ जो बातें और सबूत आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। उदयी पक्ष के हम साथ हैं, मुलजिम पक्ष के नहीं है। बगैर कोई देरी के तुरंत प्रभाव से हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। जिनके भी खिलाफ एक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, जिनके भी खिलाफ इस मुकदमे में जो एविडेंस इनके खिलाफ आएंगे उनके खिलाफ हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। ठीक है। मैं यहाँ आए हूँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्या पूरा मामला है? प्रिंसिपल को 15 दिन हो गए, अरेस्ट नहीं किया अभी तक जी। हमारी बहन को फिर इंसाफ कब मिलेगा? क्या पूरा मामला था? मेरी बहन ने फांसी खाई है स्कूल में, टीचर ने ना किसी ने हाथ लगाया और प्रिंसिपल ऐसे कह रही उसको मैं मिर्गियार थी, जबकि प्रिंसिपल 2 महीने से स्कूल में आई है और फिर उसे जैसे बच्चे कहते हैं मैम इसने फांसी खाई तो ऐसे कहती नहीं, इसको तो मिर्गी आ रही है और डॉक्टर से भी झूठ बोल रहे हैं, घर वाले आते हैं तो उनसे भी झूठ बोलती है। अभी जो पुलिस इंक्वायरी हो रही है तो क्या उसमें रहा? पुलिस 15 दिन हो गए कुछ क्या कर रही है? प्रिंसिपल को तो अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, कह रहे प्रूफ दो। क्या प्रूफ चाहिए उन्हें जब बच्चे प्रूफ देने लग रहे हैं तो? ना तो कोई टीचर हाथ लगा रहा है, हमारी बहन मरी है। 15 दिन हो गए कोई किसी चीज की कार्रवाई नहीं हो रही। प्रिंसिपल को अरेस्ट करो, नहीं आज हम घर नहीं जाएंगे और स्कूल भी नहीं जा रहे। हमारी पढ़ाई नहीं है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम घर बैठे हैं। इंसाफ दो हमारी बहन को, नहीं स्कूल को भी ताला लगेगा। 15 दिन हो गए ठंडे बैठे हैं, प्रशासन कुछ करेगा? कुछ नहीं कर रहा है, एक सर को अरेस्ट किया है। अरे पूरा मामला प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल को भी तो करो। मामला दर्ज है पुलिस जी। अजीत सर ने लेटर लिखवाया, अजीत सर को तो कोई नामो इंसान है, उसको तो केस में ले ही नहीं रहे, जबकि बंदा अपने आराम से स्कूल जा रहा है, कुछ नहीं। ऐसे तो फिर हर टीचर को छूट मिल जाएगी, कल को हम जाएंगे तो हमें भी लटका देंगे, तब करेगा क्या स्कूल प्रशासन? क्या नाम? प्राची। क्या मामला है मैडम प्राची? हमारी बहन को इंसाफ मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे जी। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हो, गाँव में भी कर रहा किया है आपने और यहाँ भी कर रहे हैं, क्या पुलिस सुनवाई कर रही है आपकी? कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने घर बैठे आराम से जी। तो अब आप क्या मांग करते हो? प्रिंसिपल को अरेस्ट करो और सुनील सर को फांसी ही होनी चाहिए और अजीत सर को भी अरेस्ट करो। आप कितने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे सभी बच्चे? 15 दिन हो गए आपको? हाँ। कितने बच्चे हो गांव के? 75 बच्चे हो आप? हाँ। 75 बच्चे